हेलो एवरीवन, महिला एवं बाल विकास विभाग से CWC के पदों के लिए वैकेंसी आई है। नया विज्ञापन जारी हुआ है। CWC का अर्थ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। 22 जिलों से ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है। तो ये पूरा विज्ञापन है और सबसे पहले जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, उसके बाद जो है हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हम हिंदी वाला कवर करेंगे। ये वैकेंसी जो है हरियाणा राज्य से आई है, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनकी सूचना स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, CWC के पद भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो अध्यक्ष के पद पर भी वैकेंसी है और सदस्य के पद पर भी वैकेंसी है हर जिले से। जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, सबसे पहले आप देखें अम्बाला जिले से वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है तीन पोस्ट हैं सदस्य की। भिवानी में एक पोस्ट जो कि चेयरमैन की है यानी अध्यक्ष की है, और तीन पोस्ट जो कि यहाँ मेंबर की है, एक जो है रिजर्व की गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही चरखी दादरी में एक पोस्ट जो है वो चेयरमैन की है, और उसके बाद जो है मेंबर की जो पोस्ट है सदस्य की, चार पोस्ट हैं जिसमें एक जो है फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है। इसी तरीके से जो है हर जिले में एक पोस्ट चेयरमैन की और चार पोस्ट जो है सदस्य की है, जिसमें एक रिजर्व है फीमेल की। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, हिसार में, नेक्स्ट जिंद डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर में, केथल में, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूह, महेंद्रगढ़ में, पलवल में, पंचकुला में, पानीपत में, नेक्स्ट रोहतक, रेवारी, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर। तो पूरे 22 जिलों से यह वैकेंसी आई है। CWC के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसके पास बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, या मनोचिकित्सा, या कानून, या सामाजिक कार्य, या समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, या मानव स्वास्थ्य, या शिक्षा यानी एजुकेशन, या मानव विकास, या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी। जिनके पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यावसायिक व्यक्तिक वृत्तिक डिग्री हो, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है, सोशल वर्क में जो है आप लोगों के पास कोई डिग्री है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 7 साल का अनुभव भी मांगा गया है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अध्यक्ष और सदस्य की जो उम्र है यहाँ पर, तो कम से कम 35 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 65। अवधि, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का काम बहुत ज्यादा सरल है, सिर्फ सिटिंग के ऊपर यानी बैठना है आप लोगों को, उसके लिए जो है आप लोगों को यहाँ पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। 3 वर्ष की जो है अवधि के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। मानदेय यहाँ लिखा है कि अध्यक्ष और जो सदस्य हैं बाल कल्याण समिति और सदस्य जुवेनियल जस्टिस बोर्ड को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो इस बैठक में जो है बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा वो सेटिंग के ऊपर ही मिलेगा, बच्चों के ऊपर जो है वो ध्यान देना होगा, और आप लोगों को चेयरमैन के अंडर में जो है काम करना होगा, और चेयरमैन जो है उसकी और भी ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारियाँ रहेंगी। नेक्स्ट, आवेदन जो है वो करने के लिए यह नियम जो शर्तें हैं, तो आवेदक जो है वो केवल हरियाणा का ही जो है आदिवासी हो, तो हरियाणा के कैंडिडेट के लिए ही जो है ये वैकेंसी है। 17 नवंबर 2023 5 बजे तक आप लोगों के जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र, ये सभी जो है आवेदन प्रपत्र जो है वो भेजें और प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर जो है निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय की जो वेबसाइट है, यहाँ से जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे,
तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सदस्य के लिए कर रहे हैं या चेयरमैन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जरूर लिखना है, नाम, मदर, फादर, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, फोटो लगाना है, क्वालिफिकेशन किस स्कूल से की है, कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज हैं, और एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों का यहाँ पर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने साइन, प्लेस, डेट, बस इतना सा ही जो है आप लोगों को करना होगा। तो एक बात और भी जो है ध्यान में रखनी है, यहाँ पर लिखा है आवेदक आवेदन प्रपत्र के साथ में निम्नलिखित बिंदुओं पर एक स्वयं घोषणा या शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करेगा। तो ये शपथ पत्र जो है वह भी इसी में दिया हुआ है, 14 पेजों की पीडीएफ फाइल है, तो इसी में जो है आप लोगों को शपथ पत्र भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है फॉर्म 49, अध्यक्ष या सदस्य बाल कल्याण समिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो मेन वेबसाइट पर आना है आप लोगों को, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार की जो है ये मेन वेबसाइट है, यहाँ पर डाउनलोड में आप लोग देखेंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इसको जो है आप लोग ओपन कर लेंगे, और उसके बाद जो इस तरीके का जो है आप लोगों को नजर आएगा, तो यहाँ पर रिगार्डिंग न्यू एडवर्टीजमेंट ऑफ चेयरमैन या मेंबर CWC एंड मेंबर JJB 2023, ये एडवर्टीजमेंट, इस पर जो है आप लोगों को जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट के सहित, शपथ पत्र के सहित सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, केवल हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जिस जिले के लिए कर रहे हैं बिल्कुल उस जिले का नाम आपको लिखना जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।